नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज के क्लास में हम एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं, यानी जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि अलजेब्रा के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एडवांस पार्ट पे हमारा लगातार फोकस जारी है, ज्योमेट्री पे हमने काफ़ी सारे सेशन कर लिए, आज अलजेब्रा का सेशन हम लेकर आए हैं। अलजेब्रा के सेशन में एक खास वेराइटी, एक वेराइटी ऐसी है जो लगातार आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगी। कोई एक एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इस पे बेस क्वेश्चन ना आया हो। तो आज उसी वैरायटी को हम पकड़ने वाले हैं और ये देखते हैं कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से उस वैरायटी को लगातार तोड़ मरोड़ रहा है। ठीक है, एक ही वैरायटी है, उसे कभी किसी रूप में दिखाता है, कभी किसी रूप में दिखाता है, तो वही आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आखिर तक सेशन ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आप देखेंगे कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने कहीं भी कभी भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो उस टाइप के पैटर्न पे जो लगातार CPO CGL मेंस में लगातार आया जा रहा है, उन पे बेस क्वेश्चन लगातार लास्ट में मिलेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम 18 मेंस CPO 17 मेंस इन सभी के वो क्वेश्चन लेंगे जो इस वैरायटी पर आए हैं। सबसे पहले कुछ एक बेसिक पार्ट उस चीज का पढ़ लेते हैं और ये देखते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से चेंज कर रहा है, यानी क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है। तो पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन लगातार बनते किस तरीके से हैं उस पैटर्न पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक वैरायटी है हमारी a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, बराबर होगा a+b+c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो ये एक वैरायटी है जिसपे बेस क्वेश्चन लगातार बनता आ रहा है। ये वैरायटी और कैसे बदल सकती है, देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने क्या किया, इस तरीके से कर दिया कि भाई क्या ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से पता है, a+b+c, ये आपने कर दिया a into a - b + b into b - c + c into c - a। तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक क्वेश्चन किसी एक पेपर में आपको इस तरीके की वैरायटी इस तरीके से लिखी हुई मिले, वो इस तरीके से ना मिले। तो ये है बदलाव जो आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकता है, यानी एग्जामिनर क्या करेगा, इसकी वैल्यू दे देगा। अब आपने ये इस तरीके से अगर पढ़ रखी होगी तो आप आंसर कर पाएंगे, पर ये कॉमन वैरायटी नहीं है, इतनी आसान से आपको बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसी चीज के अंदर और कैसे क्वेश्चन घूम सकता है, आइए देख लेते हैं। अगर इसी वैरायटी की बात करें तो a+b+c/2 (a-b²) + (b-c²) + (c-a²) इसको एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ लेता है काफी बार। ठीक है, यानी उसी क्वेश्चन को जो इस तरीके से पूछा जाता था वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पर ये भी यहां तक खत्म नहीं है, अभी बदलाव और है। आइए देखते हैं क्या, इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। a+b+c (a+b+c)² ठीक है, -3 (ab, bc, ca) तो ये इसी वैरायटी की चौथा फॉर्मूला हो गया, यानी चार फॉर्मूले बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और मेन बात है कि बच्चे कुछ लिमिटेड फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और सोचते हैं उन्हीं पे बेस क्वेश्चन आएगा, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन में देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप पूरा सेशन देखते हैं, ये डेफिनेट पार्ट है कि इस पे आया हुआ क्वेश्चन तो आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, चाहे एग्जामिनर कितना भी बड़ा बदलाव कर ले। जैसे कि हम लास्ट तक जाएंगे, आप ये देखेंगे कि मैंने क्लास के अंदर वही पैटर्न बताया जो आपका लगातार एग्जाम में हो रहा है, पर उस पैटर्न पे क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है, पर डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं, तो उन पे भी काम करना है। तो ये हो गया हमारा एक जनरल फॉर्मूला।
अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसी चीज को, यानी आप अगर ध्यान से देखें, ये जो चीज है ये वाली, ठीक है, इसको एग्जामिनर ने कैसे लिखा, इसी को ही ऐसे लिखा, और इसी को ही कैसे लिखा, इसी को इस तरीके से लिखा, और इसी को कैसे लिखा, इसी को इस तरीके से लिखा कि भाई ये टू इसके साथ आ गया और ये उसने इसके साथ ले लिया, ठीक है, इसी वैरायटी को। तो हम ये देखेंगे कि अब ये जो इंडिविजुअल वैल्यू हमने इक्वल करी है, इस पे बेस क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आइए देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं, आपने पीछे लिखा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, बराबर हो गया हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखते हैं, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई ए बी सी लगातार नंबर दे दिए, लगातार नंबर अगर दे देता है ए बी सी, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तीन हो जाता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर यदि दो दो का गैप होता है, ए अगर एन है बी एन प्लस टू है एन प्लस फोर है, तो इसी का मान क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, और इसी के अंदर अगर दो वैल्यू सेम है और तीसरी वैल्यू उससे एक बड़ी है तो ये क्या हो जाता है, एक आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपका क्वेश्चन मिल सकता है। साथ के साथ आप ये देखेंगे, केवल ये याद नहीं करना, ठीक है, अब मान लेते हैं तीन नंबर लगातार है, ठीक है, अगर मैं तीन नंबर कोई लगातार ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि आप एक दो तीन ले लेते हैं, एक दो अगर आप तीन लेते हैं, एक और दो गया एक आ गया, दो और तीन गया एक आ गया, ठीक है, एक और तीन गया दो आ गया, दो का स्क्वायर चार हो गया, तो छः बटा दो तीन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको याद करना है, ऐसा भी हो सकता है कि दो दो का गैप हो या तीन तीन का गैप हो, तो कोई भी तीन नंबर इमेजिन करिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, वो बड़ा नंबर नहीं रखना है आपको वहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के अंदर और वेरिएशन किस किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, अब इसी के अंदर आपने देखा कि भाई जो फॉर्मूला आपका बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई ये बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अभी बेसिक पार्ट चल रहा है हमारा, फिर उसके बाद के देखेंगे क्वेश्चन, और धांसू क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, सीधा पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। अब अगर इनमें से साइन का वेरिएशन, आने वाला बदलाव क्या है, देखिए आने वाला बदलाव, आने वाला चेंज जब हम बोल देते हैं कि अब चेंज किस तरीके से आपको मिल सकता है, हो सकता है इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा इस तरीके से, मैंने लिख दिया कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, सी वाला माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी सी, और ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और इसी तरीके से पीछे वाले सभी फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे चेंज किया है,
आपने देखा कि भाई साइन आपने एक नेगेटिव कर दिया, तो जहाँ सी था वहाँ नेगेटिव आ जाएगा और फॉर्मूला पूरा इस तरीके से बदल जाएगा। तो ये क्या है, आने वाला बदलाव है और ये साइन में बदलाव है, ठीक है। तो साइन को लेके आपका बदलाव मिल सकता है, दो किसी में भी नेगेटिव हो सकते हैं, किसी एक में भी नेगेटिव हो सकता है, तो ये पूरा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही पूछा जाए। इसी के अंदर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस टाइप पे क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिलेगा तब आपको पता लगेगा कि अगर चेंज हमने अडेप्ट कर रखा होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। कुछ भी नहीं, बड़ी चीज़, बहुत आसानी चीज़ है, पर मेन बात यह कि पहले से आपने देख रखी हो। अब अगर मैं आगे आता हूँ, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, देखिए ज़ीरो होगा, ठीक है। ज़ीरो कब होगा, इसके दो कंडीशन बन जाती हैं, दो कंडीशन बन गई आपकी, ये या तो ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो या फिर ए बी सी तीनों बराबर हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा। अगर हम फॉर्मूले पे जाते हैं, ये जो मैंने आपको लिखवाया फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं, इसको अगर ज़ीरो करना है या तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो या ये वाला पार्ट ज़ीरो हो, अंदर वाला, ठीक है, या तो आपका ये वाला पार्ट ज़ीरो हो आगे वाला या फिर ये पीछे वाला पार्ट ज़ीरो हो। तो आगे वाला पार्ट हो गया ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो और पीछे वाला पार्ट हो गया ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए, ठीक है, ये हमने पीछे देखा था, अभी हमें यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आगे। अब ये तो रही वो बात जो सभी को पता है, इसमें क्या खास बात रही, अब इसके अंदर जो बदलाव संभव है वो है बहुत सारे, यानी साइन के अंदर आपको बहुत तरीके से बदलाव मिलेंगे इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं इसे हटाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर ए क्यूब ए प्लस बी माइनस सी इक्व टू ज़ीरो है, ठीक है, ये आने वाले बदलाव हैं, तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ABC इक्व टू ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलेंगे अगर b नेगेटिव हो गया तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ABC ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये करते हैं कि भाई a प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्व टू ज़ीरो है तो आप कहेंगे माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना तो एक फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं पर ये नहीं देखते कि वो किस किस तरीके से बदल सकता है, और इसी के लिए आपको ये सारी चीज़ पढ़ाई जा रही है। इसके अंदर अगर आगे वेरिएशन देखें, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर देखिएगा क्या ये बदलाव आपने प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये भी आपका ज़ीरो के बराबर आ गया। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, माइनस ए प्लस बी माइनस सी इक्व टू ज़ीरो, जिसके साथ नेगेटिव आएगा वो वाला नेगेटिव हो जाएगा, जिसके साथ पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर दो नेगेटिव हैं तो ये माइनस 3ABC ही रहेगा, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी, अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्व टू ज़ीरो, ठीक है, ये भी ज़ीरो के बराबर आ गया। अब आप जैसे कि देखते हैं यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपके सामने। अब देखिए कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, मेंस में टारगेट अच्छा है कि भाई 190 प्लस का टारगेट है, तो जितने भी चेंजेस लगातार हो सकते हैं ना, एग्जामिनर जो जो सोच सकता है वो उसे सब पहले से करना पड़ेगा। तो ये पहले का चेंजेस है कि पहले से आपको ये सब चीज़ें पता हूँ। अब इसके अंदर मेन जानने वाली चीज़ ये, अगर किसी एक के साथ नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और एक के साथ नेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
सी की जगह माइनस सी रखा, बी की जगह माइनस बी रखा, ये पॉजिटिव, ए की जगह माइनस ए रखा, माइनस यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव। अगर दो नेगेटिव होंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएंगे, इसके साइन में कोई बदलाव नहीं रहेगा, जो माइनस था वो माइनस रहेगा। दो नेगेटिव हो गए, सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब ये भी हमने पढ़ लिया। अब आप ध्यान से सोचिएगा कि आपने कभी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला पढ़ा तो कभी इतनी डेप्थ में जाके सोचा कि भाई इसके अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं? होता क्या है, जब सामने क्वेश्चन आता है ना, हम उस टाइम बनाना शुरू करते हैं। तो बेटर ये है कि आप पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसके अंदर और भी अभी संभव है चेंजेस, आइए देखते हैं क्या संभव है। आपने एक चीज़ देखी कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो के बराबर है यदि ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है, ठीक है, यदि ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है। अब आप ध्यान से एक बात समझिए, अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए वो ये पूछ सकता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी किसके बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टू ए बी सी। आराम से अपनी नोटबुक खोल के देखिएगा, अगर आप तैयारी करते हैं कि आपने नोटबुक में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि हम चेंजेस के लिए तैयार नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 17 ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए बी सी, ठीक है, प्लस 3 ए बी सी। अब ध्यान से समझिएगा बात, अब आपने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला पढ़ लिया कि इसके साथ ये जीरो होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसके साथ ये पूछा जाए, ठीक है। आपने देखा कि ये भी पूछा जा सकता है, 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 कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेन बात क्या है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी जीरो, मतलब ये थ्री ए बी सी के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। अब मतलब ये थ्री ए बी सी है तो ये क्या आ जाएगा, टू ए बी सी। अगर ये थ्री ए बी सी है तो ये क्या आ जाएगा, फाइव ए बी सी। अगर ये थ्री ए बी सी है तो ये क्या आ जाएगा, ट्वेंटी ए बी सी। तो ये आपके आंसर हो गए, तो उस केस में आंसर आपके ये आएंगे। आपने देखा तीन और तीन कितना हो गया, सिक्स ए बी सी। तो ये उम्मीद है कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि आपका आंसर गलत लग जाए, जीरो आप आंसर मार्क कर दें, पर वो जीरो नहीं रहेगा, वो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरीके से आए। उससे पहले छोटी सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक जनरल फॉर्मूला हमारा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ये आ गया टू ए बी बी सी और सी ए। ये फॉर्मूला कितनों को नहीं पता, ये फॉर्मूला आप में से सभी को पता है। मेन बात ये है कि जब इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो कितने अच्छे से आप इसका यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इधर जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप की फॉर्मेशन के अंदर, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, उन सभी क्वेश्चनों के अंदर या तो आपको ये वाली वैल्यू दे रखी होगी और ये वाली दे रखी होगी, ये वाली पूछी जाएगी, या आपको ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, ये वाली वैल्यू दे रखी होगी और ये वाली पूछी जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, अगर ये वाली वैल्यू पूछी है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लिखना आपको, अब क्लास लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला लगाना किस तरीके से है। तो लगाएंगे हम फॉर्मूला इस तरीके से, अगर ये करते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन मार्क की, और अगर ये वाला पार्ट निकालना है, अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसका दुगना घटा देंगे सीधा सीधा, ठीक है।
अब ये बात मैंने समझा तो दी, आधे बच्चों को समझ आ गई होगी, आधों को नहीं भी समझ आई होगी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ यार ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने इसी तरीके से पढ़ा था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात वो है जब आप इसे लगाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस आपके किस किस तरीके से इस पे बन सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखते हैं ए प्लस बी माइनस सी 7 है और ए बी माइनस बी सी माइनस सी आपका 2 है, आपको ये निकालना है इसका मान, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताया था पहला ही क्वेश्चन वेरिएशन पे है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं दे रखा आपको, ए प्लस बी माइनस सी दे रखा है, ठीक है। इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ये निकालना है, अगर ये निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी इंटू इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना तो मैंने फॉर्मूला लिखा, केवल केवल डायरेक्ट चीज करी है, कहां से करी है, देखिए यहां से फॉर्मूला पकड़ा हमने। अगर आप देखते हैं ये वाला फॉर्मूला मैंने पिक किया, ये वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला काफी स्मार्ट फॉर्मूलों में से है जो हम काफी जगह लगाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे आ गया, इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम ये। अगर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे वापस, क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब आप देखते हैं ए प्लस बी माइनस सी, जैसे कि वेरिएशन हमने पढ़ा था, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम ए बी बी सी और सी ए, जिसके साथ सी आ रहा है वो सब नेगेटिव है। अगर आपने वेरिएशन नहीं पढ़ रखा होता तो पहले तो आप इसी देख के कंफ्यूज हो जाते कि क्या दे रखा है, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है। तो आपने देखा 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 माइनस 6, ठीक है, 49 माइनस 6 करेंगे 43 आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, ठीक है, माइनस 3 इंटू ये 21 दे रखा है आपका, ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये 21 आपको दे रखा है, ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि ऑप्शन में से आंसर आपका नहीं आ रहा था, ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेता, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 63 माइनस 16, माइनस 16 इंटू 7, ठीक है, 3 21 63 हो गया, 49 हो गया, माइनस 14 आ गया, माइनस 14 इंटू 7 माइनस 98 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक चीज, देखिए अब मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ये पहला क्वेश्चन था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हम ये देखेंगे केवल एक स्टेप इसमें लिखना है, अगर लिखना है तो, और कई क्वेश्चन में आपको वो भी नहीं लिखना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये इंटू इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम ये, तो सॉल्व किया हमने, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बढ़ता हूँ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट में ही आया है सीपीओ में, ठीक है, करंट में ही सीपीओ का क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम ए बी सी, ठीक है। आप देखते हैं अगर ध्यान से तो 3 यहाँ पर इसके साथ आ गया, तो अगर आप 3 बाहर ले लेते हैं, 3 मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बचेगा x प्लस 2, ठीक है, और 3 हटा देते हैं अगर यहाँ से, तो 3 यहाँ से भी हटेगा, 3 इसके साथ आ जाएगा। अब आपको वो चीज़ डायरेक्ट दिख रही है कि भाई ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम ए बी सी के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 होना चाहिए। अब इसमें लिखने वाला पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। ऐसा कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, 2x 3x 6x, ठीक है, 9 5 14, 14 में से 2 गया 12, 6x माइनस 12 0 होना चाहिए, 6x माइनस 12 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो ये करंट का ही क्वेश्चन है सीपीओ का 2019।
अब मेन डिपेंड ये करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, अप्रोच के हिसाब से आपका सोल्यूशन रहेगा। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3ABC के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, पर इसमें लिखना नहीं है। 3 2 5 और 1 6 6x हो गया, -3 और -9 -12 हो गया, 6x में से 12 गया 0 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। केवल 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, पर बदलाव पर है, बदलाव की तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अगेन देखिए, अब जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको, ये निकालना है, अगर ये पार्ट निकालना है आपको तो इसका स्क्वायर -2 × ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, -2 × ये 16 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 128 आ गया, 128 आपका आंसर हो गया। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे करना होता तो मैं इसमें पेन तक नहीं लगाता, सीधा आंसर मार्क कर देता, 128 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर वो कब, जब हमें वो फॉर्मूला ध्यान है। अब देखिए, जब मैंने फॉर्मूला करवाया था, मैंने आपसे ये बोला था कि भाई ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला लिखवाना बड़ी बात नहीं है, आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। यानी मेरे को अगर इसकी वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर 144 -2 × 8 16, 128 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सभी क्वेश्चन करंट एग्जाम के ही हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ गया जैसे कि आपके सामने, x प्लस वाई प्लस जेड आपका ये है, ये आपका 216 है, और ये आपको निकालनी है वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, अगर मैं देखता हूँ फॉर्मूला क्या रहा हमारा, फॉर्मूला ये है कि भाई 3xyz तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 4xyz हो गया, 4 × xyz, xyz कितना आ गया 216, ठीक है। आगे वाला पार्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर -3 × 114 प्लस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, काफी होशियारी दिखा के हमने कैलकुलेशन तो कर ली, अपनी कैलकुलेशन तो बचा ली, पर दिक्कत कहाँ अटक गई कि हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई या तो आप इसका डीएस चेक करें, या फिर आप इसकी आखिरी संख्या, मैं बोलता हूँ हमेशा कि चार ऑप्शन अगर ऐसे हैं जिनमें आखिरी संख्या अलग अलग है तो उसके हिसाब से आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। अगर ध्यान से देखते हैं, ये हो गया 1, 11 में से 2 गया, 9 आ गया, ठीक है। 9 × 81 हो गया, 81 और 4 85, क्योंकि 24 का 4 आ गया। लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 किस में आ सकता है, डी ऑप्शन में आ सकता है। तो यहाँ हमने क्या लगाया, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट जो हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से हमने किया क्योंकि आखिरी संख्या 5 आएगी, 9 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 नहीं जा सकता, 11 में से 2 जा सकता है, 9 आ गया, 9 × 9 1 आ गया, 1 और 4 5 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ना तो हमने फॉर्मूला लिखा, ना कैलकुलेशन पूरी तरीके से करी, और आंसर आपके सामने है केवल एक स्टेप ये वाला लिख के। और ये क्वेश्चन भी आपका अभी करंट का है, CPO 2019 का। तो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी ली है, आप अगर देखेंगे लगभग हर पेपर के अंदर इस पे बेस क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, पर होता क्या है, हम उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, ए प्लस बी प्लस सी 5 है, स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, 4ABC आपको निकालना है। अब देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके भी हो सकता है, पर वैल्यू पुट करके मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर आपको, क्योंकि देखिए वैल्यू पुट करने वाला हिसाब ऐसा है कि कभी तो वो लग भी जाएगी और कभी नहीं भी लगेगी। अब मैंने क्वेश्चन अगर पहले से कर रखा है तो मैं बता दूंगा इसकी जगह ये पुट कर लो, पर पेपर में क्लिक होने के चांसेस रेयर रहते हैं, कभी कभी क्लिक भी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। तो फॉर्मूला बेस ही करेंगे, वैसे आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, 5 − 1 − 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर 5 − 1 और 1 डालेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा, -20 आंसर आ जाएगा। 4ABC की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। अब देखें यहाँ रोल किसका आ गया, ए बी बी सी सी ए। तो तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था भैया ये चीज़ तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कि इसका स्क्वायर किया 25 आ गया, 25 में से 27 गया, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 को 2 से भाग किया, माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो ये कितना हो गया, 28 पंजे 140, 140 में से 125 जाएगा, 115 बचेगा, ठीक है। तो 3ABC 140 में से 125 जाएगा, 15 बचेगा, तो ABC की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 5। ABC अगर माइनस 5 आ गया तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया पर एक स्टेप में किया, एक स्टेप से ज़्यादा हमने नहीं लिखा, केवल एक स्टेप में किया ये वाला। पर वो कब हो पाया, जब हमें पहले से सारी चीज़ें पता है, यानी जो बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हमने पढ़े। फॉर्मूला पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, मेन मैटर करता है कि आप उसको अप्लाई करते वक्त कितना लिखते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, उम्मीद करता हूँ ये तो आप सभी बता देंगे, आसान क्वेश्चन लगेगा अब आपको। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आपका सी जी एल मेंस का क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी जो कि 4 हो गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ये, तो क्या आ गया भाई, 16 माइनस 3 13 आ गया, 13 चौक 52 आ गया, केवल 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड कब लगेंगे, जब अप्लाई करना सीखेंगे। पता होने से कुछ नहीं होता, 52 आंसर निकाल के मैंने कोई अलग काम नहीं किया, 52 आंसर बहुत बच्चे निकालेंगे, पर मैंने केवल एक ही स्टेप आपको लिखवाया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो मैं डायरेक्ट ही आंसर मार्क करूँगा 52, 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ध्यान से समझिएगा आप। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, सी जी एल का, सी जी एल या सी पी ओ में से किसी पेपर का है करंट का, ठीक है। अब जैसे कि इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ ना कुछ कमांड तो हमारे हाथ में आ गई होगी, अब ऐसा होगा कि हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे। अगर सबसे पहली चीज अगर आप देखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया 133 माइनस ए बी बी सी सी ए, आपको निकालना है ए बी बी सी और सी ए, ये आपको निकालना है। अगर आप ए बी बी सी सी ए देखते हैं तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361 हो गया, 361 में से 133 घटाते हैं, ठीक है, 361 में से 133 घटाया 228 हो गया, 228 का आधा 114 मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये भी 19 बचा और ये भी 19 बचा, 19 का वर्ग हो गया आपका जो कि 361 हो गया, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, केवल और केवल एक स्टेप है, देखिए केवल और केवल एक स्टेप है, लगातार फॉर्मूले नहीं लिखने, देखिए फॉर्मूले लिखते रहेंगे नोट्स भरते रहेंगे, पर मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, केवल नोट्स बनाने में फोकस है, सीखने पे फोकस नहीं है। आपकी जो कला है ना वो जांची जा रही है वहाँ पर, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा कि आपको चीज़ें बनानी आती नहीं आती, क्या आपको पेपर के हिसाब से आती हैं, तो ये है पेपर के हिसाब से कि आपको डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अब आ गया आपका ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी जीरो है, तो x का मान आपको बताना है क्या होगा। अगर ध्यान से देखें, a ये हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, पर c जो है, c क्या है, 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x का मतलब है कि भाई ये c अगर है आपका
ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर मैं टोटल करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, अगर आप टोटल करते हैं प्लस 3ABC, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3, 2 वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा जो कि आपका 2x-4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं 3 में से, यहाँ पर आपने 2 हटाया, 2 वाला पार्ट इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये तो मैच कर रहे थे, ठीक है। अगर माइनस साइन अगर आप देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ABC 0 है अगर, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है तो अगर हम टोटल करते हैं, टोटल अगर आप करते हैं ध्यान से, तो आप देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए, 3 दूनी 5 दूनी 6, ठीक है, तो 6x-3 आपका 0 के बराबर हो जाएगा, 6x-3 आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि अगर आप देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ABC, ये 4-2x है, इसे मैंने 2x-4 लिया क्योंकि ये 2x-4 का होल क्यूब बनेगा, तभी ये प्लस 3ABC आएगा, ये माइनस वाला है, माइनस वाला, माइनस ऑफ 2x-4 का होल क्यूब, ठीक है। तो वही चीज आपने यहां पर करी है, 2x-4 का होल क्यूब अगर आ गया, ठीक है, तो आपने पढ़ा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पर करी, 6x-3 0 आ गया, x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझना है कि फॉर्मेशन किस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर हो गया प्लस 3ABC इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है एक अगर नेगेटिव होगा तब जाके प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना है इसमें, ये आपका क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ XYZ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन ये बड़ा है, देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन ये बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी 881 881 माइनस 3XYZ बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए अगर आप निकालते हैं, 11 का स्क्वायर 121-133 -12 आ गया, डिवाइड बाय 2 -6 हो गया, तो आप देखते हैं -6 आ गया, ठीक है, इसको आपने -6 लिख दिया, तो ये हो गया आपका 139। करेक्ट करके लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, देखिए क्या करना है, अगर आप देखते हैं 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार ध्यान से देख लेते हैं, रूट इसके ऊपर है पूरा, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है -11 के, एक बार देख लेता हूं मैं, और एक्स वाई जेड है -12 के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है आपका 2 के बराबर, ठीक है। चलिए ये आपको सॉल्व करना है, अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये, तो ध्यान से देखने वाला पार्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 टाइम XYYZZX 3 इंटू -11 प्लस
3xyz, क्योंकि 3xyz यहां पर मिसिंग है, तो 3 इंटू माइनस 12 प्लस आपका माइनस आपका 2 हो गया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमने केवल एक लाइन लिखी है, वो है ये। बाकी सारा काम कहाँ पर है? बाकी सारा काम दिमाग में है आपके। ठीक है, दिमाग में लिखे हमने बाकी सारे स्टेप। अगर ध्यान से देखते हैं, 36 और 2 38 हो गया। अगर आप देखते हैं 33 और 4 37, 37 दूनी 74, 74 में से 38 गया बताने की जरूरत नहीं, 36 आ जाएगा, 36 का रूट करेंगे 6 आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, 6 आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ थी, देखिए दिखने में ये क्वेश्चन भले ही बहुत बड़े बड़े आपको लग रहे हैं, पर सॉल्यूशन पार्ट केवल इतना है। ठीक है, पर ये इतना कब है? जब आपने पूरा सेशन देखा हो तब है इतना। ठीक है, और पूरा सेशन नहीं देखा है तो लगातार इसके अंदर आप फॉर्मूले लिखते रहेंगे और वेरिएशन भी पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6xyz। सीपीओ का ही क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम हुआ था 2019 सीपीओ का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब सीधा सीधा देखते हैं जी, बिल्कुल सीधा सीधा, 6 आ गया, आगे क्या आ गया 30 आ गया, माइनस ए बी बी सी सी ए, जल्दी से निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30 हो गया जो कि 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे 3 आ गया। पर क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस 3xyz नहीं है, वो यहाँ पर आएगा प्लस 3xyz, 3 इंटू माइनस 10। ठीक है, तो आप देखते हैं ध्यान से, 30 में से 3 गया 27 आ गया, 27 इंटू 6 हो गया आपका 162, 162 में से 30 गया आपका 30 आ गया, 132 आ गया, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ध्यान से देखने वाला पार्ट ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस माइनस के बाद क्या आ रहा है? अब लगातार हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखेंगे ए बी बी सी सी ए वाला कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी जगह लगाया कि भाई प्लस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर करिए और स्क्वायर वाली चीज़ घटाइए, 2 से भाग करिए आंसर आ जाएगा। तो वही आपने किया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30 6 आ गया, डिवाइड बाय 2 किया 3 आ गया, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 3abc, 3abc आपका ये आ गया, सॉल्व करेंगे 132 आ जाएगा, 132 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अब ये है देखिए, मैंने आपसे बोला था कि भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी ए आई क्यूब प्लस सी जेड क्यूब माइनस 3dxyz, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ मैं। अगर ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, मैं दोबारा से लिखूंगा, इसे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा दोबारा से, क्वेश्चन क्या है आपका? अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई क्वेश्चन के अंदर ना बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर करंट में सीपीओ का पेपर उठाते हैं, सीजीएल का उठाते हैं, चीज़ें वही हैं पर घुमा फुरा के पूछी गई हैं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है आपका ये कि भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी जेड क्यूब। ठीक है, ये मैं नीचे ही ले लेता हूँ, रुक जाइए, ऑप्शन देखने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ रख दिया है, सी जेड क्यूब माइनस 3dxyz। माइनस 3dxy और z बराबर है किसके? √2x प्लस √3y प्लस z। ये रूट जो है आपका, ये केवल और केवल इसके ऊपर है,
थ्री के ऊपर, सात के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली टर्म आपकी बड़ी है, मल्टीप्लाई में आपकी ये इनटू ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स वाई माइनस रूट थ्री वाई जेड और माइनस रूट टू एक्स जेड। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो इसके अंदर से मिसिंग था। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आप कोई भी बुक मार्केट में से उठा सकते हैं, ये बुक नहीं मिल, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपडेटेड पैटर्न पे है और अपडेटेड पैटर्न पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपने अभी तक देखा कि भाई a माइनस बी का क्यूब, उस पर भी इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया, पर इस पर क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकता, इस पर भी बन सकता है। मेन बात है कि आप पहले से तैयार हो, ध्यान से देखना है बस, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पैटर्न वही है जो हमने पढ़ा है। इसका क्यूब, इसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो देखिए दो रूट दो आ जाएगा, यानी ए की जगह क्या आ जाएगा, दो रूट दो, तो दो रूट दो का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं रूट तीन का क्यूब करता हूं तो तीन रूट तीन आ जाएगा, तीन रूट तीन का स्क्वायर करेंगे इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी ये जेड है, इसका क्यूब करेंगे वन आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी अगर आप देखते हैं ए बी सी रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू वन यानी रूट सिक्स आ गया, तो डी की जगह अगर आप देखते हैं थ्री ए बी सी, ए बी सी का मतलब डी की जगह रूट सिक्स आ जाएगा, तो ये आपको रूट सिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखते हैं ध्यान से, अगर तो ये छः हो गया, ये एक और ये हो गया आपका इसका स्क्वायर, कितना हो गया, नौ तीस सत्ताईस, ये कितना हो गया आपका, दो दुनी चार दुनी आठ, तो सत्ताईस आठ पैंतीस और छः इकतालीस और एक बयालीस, बयालीस कौन सा है आपका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 42 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी लिख दिया है बोर्ड पे, एग्जाम में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि भाई जो फॉर्मूला हमने वैसे तरीके से पढ़ा वो जरूरी नहीं है वैसे ही पूछा जाए, वो इस तरीके से भी कभी भी घूम के आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन और सब चीज़ तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी एग्जामिनर के हिसाब से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। ये क्वेश्चन है आपका, अगर ध्यान से देखते हैं बहुत, तो 8x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब, एक बार ये क्वेश्चन भी मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस 120xyz अपॉन 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू a रूट टू एक्स स्क्वायर बी अपॉन रूट टू वाई स्क्वायर 5c, तो c आएगा आपका कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर भी कैपिटल ही है, तो 5c हो गया z स्क्वायर। आगे आ गया माइनस 8xy माइनस 20yz माइनस dxz, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है एकदम, ठीक है। आइए देखते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, अपॉन a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके,
ए स्क्वायर के, ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4x² आ जाएगा, यानी इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए, यानी इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 4, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 4y² यानी 16। इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 25 लिखा होना चाहिए 5c की जगह, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जेड इंटू एक्स करेंगे तो 5 × 10 हो गया, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। इस डायरेक्ट मैंने लिख दिया, केवल और केवल ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन देख के नहीं डरना है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया, टीसीएस ने पेपर बनाया या इसने पेपर बनाया, पेपर कोई भी बनाए अगर चीजें हम अडेप्ट कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब √2 आपका 4 के बराबर हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई 2√2, 4/√2 यानी 2√2। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ प्लस, आगे आता हूँ मैं b वाली वैल्यू पे, b की वैल्यू क्या आ गई, 16√2, माइनस c² सी की वैल्यू क्या है आपकी, 5 आ गई, क्योंकि 5 सी की वैल्यू 25 है तो ये 5 आ गई, 5² माइनस, अगली वैल्यू मैं देखता हूँ डी की जगह क्या आ गया, 10 आ गया, 10² वैसे तो आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए कि आंसर नन में से होगा, नन होगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, अगर फिर भी आप कैलकुलेट करते हैं 2 × 4 × 8 आठ ही हो गया, 256 × 512 512 आठ और आठ हो गया 520, 520 में से 25 और 100 125 चला गया, 520 में से अगर 125 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 395 आ जाएगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, केवल और केवल कंपैरिजन हमने करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, ए बी बी सी सी ए, तो आपने देखा क्या क्या वैल्यू आ सकती है, उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। ये लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि भाई अपडेटेड पैटर्न पे क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एग्जाम में लगातार बदलाव क्या हो रहा है, तो उस बदलाव के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, देखिए बाकी आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है ये, ठीक है, कि हमने अपनी नई किताब एक लॉन्च करी है, लक्ष्य 200 एडवांस मैथ जो है वो तो आप सभी लोग पढ़ ही रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यू आप लोगों ने सबने दिए हैं, साथ के साथ ये प्लस ये हो गए हमारे क्लास नोट्स अर्थमेटिक के क्लास नोट्स, यानी वो बच्चे जो हमसे कोचिंग नहीं कर पाए या किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए दिल्ली, या ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाए, तो उन सभी के लिए अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं। जैसे जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ वैसे वैसे सेम क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन पैटर्न पे डिजिटल सम और एमजी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है, ये आपको मिलेंगे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स में। आप अपने आसपास किसी भी जगह आप रहते हैं पूरे इंडिया में तो आजू बाजू किसी भी बुक शॉप से आप खरीद सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है, और या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ के साथ लक्ष्य 200 जब लॉन्च हुई थी मैंने आपसे बोला था कुछ धमाका होने वाला है बिल्कुल, ठीक है, तो लक्ष्य 200 टाइप ही ये नोट्स हैं, और लक्ष्य 200 आपको पता है एडवांस मैथ की काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे रिव्यू आप लोगों ने दिए हैं, तो आप लोगों को ये समझना है कि ये दोनों मिला के कम्प्लीट पैकेज है आपका। तो अगर आप हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं बुक ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा। CGL 2019 या अनेक एग्ज़ाम जैसे कि CPO CHSL किसी के लिए भी आप इन्हें ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, और सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट सेशन भी हम जल्दी से जल्दी ला सकें। और सेशन देखिए मैं इसी तरीके से लाता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक ख्याल रखिए अपना।